नमस्कार। आज अयोध्या में देव दीपावली मनाई जा रही है और ये तस्वीरें अयोध्या की है जहां श्री राम और श्री सीता माँ का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इसी पर बॉलीवुड के विलन ने एक शर्मनाक बयान दिया है, राम के नाम का अपमान किया है, जिसका नाम है प्रकाश राज, जिसके मन में नफरत का अंधकार छाया हुआ है। प्रकाश राज रामलीला की तुलना अश्लील फिल्मों से करते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को रामलीला और श्री राम से, इन दृश्यों से डर लगता है। देखिए ये दृश्य देखिए। अयोध्या में एक तरफ 5.5 लाख दीप जल रहे हैं, अयोध्या प्रकाशमय है और प्रकाश राज के मन में नफरत का अंधकार छाया हुआ है। और आज का हैशटैग मैं बता देना चाहता हूं, आज का हैशटैग है प्रकाश इंसल्ट्स राम। आज का हैशटैग है प्रकाश इंसल्ट्स राम। और हमारा सवाल है कि जो बात प्रकाश राज ने कही है रामलीला को लेकर, रामलीला की तुलना अडल्ट फिल्मों के साथ की है, क्या उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या माफी मांगेंगे प्रकाश राज? और पहला मुद्दा भी आज का यही है कि रामलीला को अडल्ट फिल्म बोलने वाले प्रकाश राज क्या मांगेंगे माफी? मेरी राय यह है कि जिस देश में श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, उस देश में प्रकाश राज जैसे लोग भी है जो राम के नाम का अपमान करते हैं और उसे फैशन समझते हैं, सेक्युलर फैशन समझते हैं। प्रकाश राज जैसे लोग कभी दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं करते, ऐसे बयान दूसरे धर्म के बारे में देने की उनकी जरूरत नहीं होती, फतवा जारी हो जाएगा। तो आज इसी पर करते हैं चर्चा। और मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उन मेहमानों का मैं परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ है आचार्य शैलेश तिवारी, मेरे साथ है हिंदू धर्म गुरु श्री रावत साहब स्टूडियो में जुड़े हैं, और मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर इलियास शराफुद्दीन भी जुड़े हुए हैं, और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भी जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ जाएंगे जिनका नाम है डॉक्टर सैयद अब्बास। पर हम लोग चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ जाएंगे जिनका नाम है डॉक्टर सैयद अब्बास। पर हम लोग चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रकाश राज ने श्री राम और रामलीला का अपमान किया। अपने खुद के कानों से सुन लीजिए कि क्या भारत में रहने वाला व्यक्ति भी श्री राम के बारे में ऐसी बात कर सकता है। सुनिए उनका आपत्तिजनक बयान, सुनिए। चलिए मैं आपको बयान सुनाता हूं, पर मैं शुरुआत में मेरे साथ आचार्य एचएस रावत जुड़ चुके हैं। एचएस रावत जी आप बताइए कि क्या जो बयान आया है प्रकाश राज का, क्या ऐसा बयान किसी और धर्म के बारे में दिया जा सकता है? अगर दिया जाता तो कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ है वैसे हो जाता। सहजाद जी, यही हिंदू धर्म की उदारता है। इसमें जो लोग असंस्कारित हैं, असभ्य हैं, जिन्होंने राम को समझा नहीं, जिन्होंने रामलीला को समझा नहीं, जिन्होंने हिंदू धर्म को समझा नहीं, वो इस तरह के बेहूदे और अनर्गल बयान देते हैं। और ये तो भानु की कंपनी का एक सरदार है, इसको तो पता ही नहीं। अगर इसके अंदर हिम्मत, एक सेकंड, हम लोग लाइव दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सभी पूज्य संतगण चरण, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री जय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण,
श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री रमापति शास्त्री जी, श्री मोती सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, सभी मेरे सहयोगी और जनप्रतिनिधिगण, और इतनी भारी संख्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राजतिलक के इस कार्यक्रम में साक्षी बने, अवध धाम के साथ ही पूरे देश से उपस्थित यहां पर सभी मेरे सहयोगी भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, समारोह की मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य से संसद की उपसभापति और वहां पर शासन में मंत्री माननीय बीना भटनागर जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय के साथ ही हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ जहां अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राजतिलक का कार्यक्रम यहां पर पूज्य संतों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ है, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं, लगभग 236 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करके अवधपुरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अवधपुरी के रूप में बदलने के उस संकल्प के हम सब साक्षी बन गए हैं। भाइयों बहनों, अवधपुरी के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं भी कहा कि जद्यपि सब वैकुंठ वखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जानो को को, जन्म हो पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, जास मज्जन ते बिनहि प्रयासा, नम समीप नर पावही बासा। भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने जिस पवित्र भाव के साथ देश के सच्ची प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने रखा, आजादी के तत्काल बाद सैकड़ों वर्षों की गुलामी के फलस्वरूप जिस सत्य को भारत के आम जनमानस में आजादी के तत्काल बाद जगाने की आवश्यकता थी, उसे जागृत होने में लगभग 67-70 वर्ष लगे, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत के इस सांस्कृतिक गौरव का आभास कर रही है और वह गौरव का आभास अयोध्या में भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपोत्सव का यह कार्यक्रम हो, या फिर काशी में देव दीपावली और काशी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयास, प्रयागराज का कुंभ हो, या योग की विरासत को पूरी दुनिया के सामने
भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद के रूप में आम जन के लिए उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंगीकार करने का वह प्रयास हम सब इससे कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और सचमुच हर भारतवासी आज अभिभूत है अपने देश के यशस्वी नेतृत्व पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर, जिन्होंने भारतीयता का एहसास करा करके भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा सांस्कृतिक परंपरा को विश्व पटल पर फिर से पूरी मजबूती और पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, राम की परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। और सचमुच जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम राज्य हमारे मनोमस्तिष्क में स्वतस्फूर्त भाव के साथ आता है। राम राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के पापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों के लिए जहां पर कोई जगह न हो, ऐसा राम, ऐसा राज्य ही राम राज्य कहलाता है। और राम राज्य की अवधारणा को साकार किया है विगत 5 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर भारत को दुनिया के सामने एक सांस्कृतिक और सामरिक ताकत के रूप में स्थापित करने और आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करने के अभिनव प्रयास हो या बिना भेदभाव के शासन की एक एक योजनाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता और जिस संकल्प के साथ उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ, चाहे वह गरीबों को सिर ढकने के लिए दिए जाने वाले आवास की व्यवस्था हो, 5 वर्ष में 3 करोड़ परिवारों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना का एक एक आवास, 10 करोड़ परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाला एक एक इज्जत घर, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन सौभाग्य योजना में, 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सम्मान 6000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हो, या फिर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, शासन की योजनाएं जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर लागू की गई, यह आधुनिक राम राज्य का ही वह उदाहरण है जिनमें बिना भेदभाव के न किसी की जाति देखी गई, न किसी का क्षेत्र देखा गया, न किसी का मत और मजहब देखा गया, और शासन की योजनाएं सबके सामने समान रूप से प्रस्तुत की गई, समान रूप से उन्हें उनका अधिकार दिया गया। एक अभिनंदनीय प्रयास हुआ है और उसी अभिनंदनीय प्रयास की कड़ी है कि आज भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं, आज उस स्थिति में भी पहुंच चुका है। आज हमने तो दुनिया के अंदर हमारी ऋषि परंपरा ने जो संदेश दिया, अयम निज परे वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सदैव हमने अंगीकार किया, पूरी दुनिया के कुटुंब के रूप में हमने माना, कभी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारे सत्य को ललकारने का प्रयास किया, किसी ने हमारे स्वाभिमान को ललकारने का प्रयास किया, तो फिर
उसके मांद में घुस करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी आज भारत का सबसे नेतृत्व कर रहा है। इससे ज्यादा गर्व की और क्या बात हो सकती है। आज भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम राज्य की यही आदर्श अवधारणा आज हम लोग गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। आपको याद होगा पहले की सरकारें अयोध्या नाम से डरती थी, आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है 2.5 वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूं और 1.5 दर्जन बार आने का परिणाम है कि जब भी आता हूं तो आप सबकी कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से और आदरणीय मोदी जी की अनुकंपा से अयोध्या के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग लेकर के आते हैं। आज 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा राम जी की पेड़ी में, पहले राम जी की पेड़ी में क्या व्यवस्था होती थी, पानी आता था वहीं पड़ता था, सड़ा सड़ा वहीं सड़ता था, लोग परेशान होते थे। अभी कल हम लोगों ने जब उससे प्रारंभ किया है, अब वह हर जी की पेड़ी की तरह ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी में भी आप स्नान कर सकते हैं। बैकुंठ से भी अच्छी पुरी के रूप में जिस अवधपुरी की कल्पना भगवान श्री राम ने अयोध्या के लिए की, आज अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है और उसी क्रम में आप सबके सत्व को जगाने के लिए कार्यक्रम यह मंच आपके बीच में यहां पर आया है। भाइयों बहनों, अयोध्या में विकास की योजनाओं को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था, आपने देखा होगा कि बीच के कालखंड में माता सरयू भी अयोध्या से दूरी जब बनाए रख रही थी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि यहां के घाटों से सट करके अब सरयू मैया का आशीर्वाद भी अयोध्या पुरी को प्राप्त होने लग गया है। यानी यह संजोग है और उस संजोग को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी जो 7 पवित्र नगरियां हैं, उन 7 पवित्र नगरियों में 3 पवित्र नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में है। देश और दुनिया में इतना समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश किसके पास होगा, इतना समृद्ध आध्यात्मिक तो किसके पास होगा, वैभव किसके पास होगा। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सानिध्य में इस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी योजनाएं हमने अयोध्या के लिए देखी हैं। अयोध्या को अयोध्या की पहचान दिलानी है और अयोध्या की इस पहचान को दिलाने के लिए हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी योजनाएं हमने अयोध्या के लिए देखी हैं। अयोध्या को अयोध्या की पहचान दिलानी है और अयोध्या की इस पहचान को दिलाने के लिए हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या की पहचान उसी रूप में है जैसे अन्य मतावलंबियों के लिए अपने अपने पवित्र स्थलों की पहचान है। और उनकी पहचान और उनकी मर्यादा की रक्षा उस भाव के रूप में करना और दीपोत्सव का कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा है। हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कि हम अपने आयोजन को सामूहिक रूप से पर्यावरण की रक्षा करते हुए उसके पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपने संकल्पों को पूरा करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी के साथ मैं आभारी हूं अपने सभी पूज्य संतों का जो स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बनकर के आज भगवान राम के राष्ट्र तिलक के साक्षी बने हैं, उनकी आरती को उतारा है। और यहां पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में फिजी गणराज्य की संसद की डिप्टी स्पीकर और वहां की मंत्री
श्रीमती वीणा भटनागर जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस पूरे कार्यक्रम की आभा को उन्होंने एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अवधपुरी के प्रति जो भाव उनके मन में है, उस भाव को मैं समझ सकता हूं। भाइयों बहनों, पीजी में रहने वाले जो भारतवंशी हैं, इन लोगों ने 5-6 पीढ़ी से अपनी विरासत को सम विषम परिस्थितियों में सजो करके रखा है। और आज आप उनके मुंह से सुनेंगे कि अयोध्या में या उत्तर भारत में या भारत के अंदर हम किस प्रकार से रामायण या राम अखंड रामायण का पाठ या रामलीला का आयोजन करते हैं। लेकिन यहां से हजारों किलोमीटर दूर फिजी में भी एक नया भारत बसता है। और किस रूप में बसता है, यहां पर फिजी की डिप्टी स्पीकर स्वयं अपनी बातों से इस बारे में यहां पर कहेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यहीं पर अपनी बात कही। प्रधानमंत्री जी के रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैनी सर्किट, इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने और भारत की सांस्कृतिक परंपरा को और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिस तत्परता के साथ श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी लगे हैं, वह सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आज हमारे बीच में पहली बार इस दीपोत्सव के कार्यक्रम की साक्षी बन रही हैं। उनके पास प्रशासनिक, शासकीय और सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है और उनका जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है विभिन्न अवसरों पर, उस अवसर के साक्षी स्वरूप आज वो अपना मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं अयोध्या में आई हैं। अयोध्या में इससे पहले भी उनका आगमन कई बार हुआ है, लेकिन दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहली बार, ये तीसरा दीपोत्सव का कार्यक्रम है और आज वे यहां पर आई हैं। मैं अयोध्यापुरी की आप सभी संतों की ओर से, भक्तों की ओर से, नागरिक बंधुओं की ओर से, श्रद्धालुजनों की ओर से भी आदरणीय राज्यपाल महोदय का आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वीणा भटनागर जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब भगवान राम की जिस मर्यादा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भगवान राम की मर्यादा हमें विजय श्री की ओर आगे बढ़ाती है और सदैव विजय की ओर अग्रसर करती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम सबके मनोमस्तिष्क में करती है। और भगवान राम की इस मर्यादा का उल्लंघन हम कभी नहीं करेंगे और भगवान राम के आदर्शों से प्रेरित होकर के ही हम लोग प्रदेश और देश के विकास के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा का लगा करके यहां पर अयोध्या को अवधपुरी का सम्मान दिलाने और उत्तर प्रदेश और देश के विकास में हम सब अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से आपके इस आयोजन में पूज्य संतों का, अपने मुख्य अतिथि का, राज्यपाल महोदय का, आप सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको दीपावली का दीपोत्सव के इस कार्यक्रम का, दीपावली का और पंच दिवसीय जो कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुआ है, इस कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप देखना 5 दिनों तक अयोध्या में यही जगमगाहट रहेगी। अबे एक दिन का नहीं, 5 दिन का आयोजन बन चुका है और 5 दिनों तक पूरी अयोध्या त्रेता युग में जाकर के उसका आभास देश और दुनिया को कराएगी। मैं मीडिया के अपने मित्रों का भी हृदय से आभारी हूं जिन्होंने कल से अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को यहां से सीधे उन्होंने लाइव देश और दुनिया के सामने दिखा करके अयोध्या को, अयोध्या का सम्मान दिलाने में अपना योगदान दिया है। आप सबका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी ओजपूर्ण
उद्बोधन और आशीर्वाद। तो आप देख रहे हैं ये ताजा तस्वीरें हैं अयोध्या से। इस वक्त अयोध्या को पुरानी पहचान दिलाएंगे, ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब जो भारत को छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं है, ये अभी अभी कहा है। और अब जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि अलौकिक और अद्भुत दिवाली का आयोजन किया गया है। पहले अयोध्या सुनसान और वीरान रहा करती थी, पर आज विश्व रिकॉर्ड स्थापित होगा। 5.5 लाख दियों के प्रकाश में जगमगाएगी अयोध्या। सरयू तट पर ये दिए लगाए गए हैं और इस वक्त हमें दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये श्री राम और लक्ष्मण और सीता माँ के स्वागत के लिए खड़े हैं और वहां पर ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं लगातार। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे अद्भुत अलौकिक दीपावली की ओर जो अयोध्या में श्री राम की नगरी में मनाई जा रही है। यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाते हैं, यूं ही नहीं 5 लाख दियों के प्रकाश में जगमगा उठी है। और दूसरी ओर फिल्मों के खलनायक प्रकाश राज, जिनके मन में प्रकाश नहीं नफरत का अंधकार है, वो कहते हैं कि रामलीला अश्लील फिल्मों की तरह है। वो राम पर और श्री राम पर और रामलीला पर सवाल उठाते हैं। सुनिए किस तरीके की आपत्तिजनक बातें करते हैं। अयोध्या की महादिवाली, डर गया बॉलीवुड का विलेन। राम सीता की पूजा का सबसे बड़ा अपमान। रामलीला की एडल्ट फिल्मों से तुलना। रामलीला को देखकर डरते हैं मुसलमान। अयोध्या में महादीपावली मनाई जा रही है, दीपों का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कुछ ही दिन में अयोध्या पर फैसला आने वाला है, लेकिन दिवाली से ठीक पहले बॉलीवुड के विलन प्रकाश राज ने अयोध्या में महादीपावली मनाई जा रही है, दीपों का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कुछ ही दिन में अयोध्या पर फैसला आने वाला है, लेकिन दिवाली से ठीक पहले बॉलीवुड के विलन प्रकाश राज ने ऐसी घृणित बात कर दी है जिसे बताना भी शर्मनाक है। हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान है, राम लक्ष्मण और सीता आ रहे हैं, 3 मॉडल्स फ्रॉम बॉम्बे विथ मेकअप आ रहे हैं, आप उसको नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं और एक IAS ऑफिसर यहाँ फाइल लगा के घंटा बेल बजा रहा है। दिस इज द विजन विच आई डोंट वॉन्ट टू हैपन इन दिस कंट्री। यू नो नो यू टॉक अबाउट, वोट दे रहे हैं ना उसपे, यू माइट नॉट वॉन्ट इट, लोग वोट दे रहे हैं उसपे। अरे लोग वोट छोड़ देते हैं और लोग अग्री कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, चाइल्ड देख रहे हैं तो छोड़ देते हैं आप। जिस देश में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ रामलीला की तुलना अश्लील फिल्मों से करने वाले ये हैं खलनायक प्रकाश राज, जिन्हें इस तरह का शर्मनाक बयान देते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। जिस देश में श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, उसी देश में प्रकाश राज जैसे लोग भी हो गए हैं जो राम का अपमान करना फैशन मानते हैं, क्योंकि राम सहनशील है और हिंदू भी, क्योंकि राम ने ऊंच नीच भेदभाव से परे रहकर शबरी केवट का उद्धार किया। आज बॉलीवुड में करीब करीब बेरोजगार हो गए प्रकाश राज जैसे न जाने कितने बुद्धिजीवी हैं जिनके लिए हिंदू धर्म पर वार करना फैशन। आज भी राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या आएंगी, आज भी उनका स्वागत होगा, लेकिन प्रकाश राज जैसे लोग जिनके नाम में प्रकाश है लेकिन सोच में गहरा अंधकार है, उन्हें आज भी डर लगेगा। तो मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ इलिया शराफुद्दीन और डॉक्टर सैयद अब्बास भी जुड़ चुके हैं। मैं तीनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रकाश राज, बॉलीवुड विलन, बॉलीवुड के खलनायक प्रकाश राज के मुताबिक
इन दृश्यों को देखते हुए मुसलमानों को बड़ा डर महसूस होता है, मुसलमान घबरा जाते हैं। अतीकुर रहमान, क्या आप श्री राम सीतामा लक्ष्मण के जो दृश्य आ रहे हैं अयोध्या रामनगरी में, 5.5 लाख दिए सरयू तट पर जल रहे हैं, जगमगा उठी है अयोध्या, इन दृश्यों से आपको घबराहट महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं शहजाद, मैं सबसे पहले हमारे तमाम व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूं। दीपावली की हम लोगों ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को ये पर्व बड़े उल्लास से मनाया है, आज भी बना रहे हैं। प्रकाश राज जी ने किस संदर्भ में ये सब बातें की हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अवश्य शहजाद मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो 144 का वायलेशन है, वहां पर कुछ दिनों पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे दिसंबर तक 144 सेक्शन डर नहीं लग रहा अगर, और प्रकाश राज अश्लील फिल्मों के साथ रामलीला की तुलना करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान घबरा रहे हैं, तो क्या इन बातों के लिए, ऐसी बेतुकी बातों के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए? शिकायत दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ, हा या ना, उनको इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए? सबसे पहली बात शहजाद भाई, मैं प्रकाश राज भाई को बहुत करीबी तौर से जानता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो इलेक्शन प्रहार रहा बेंगलोर से सेंट्रल से, उस इलेक्शन कैंपेन का लीड रहा हूं मैं। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, उनको ये इस वीडियो करते हैं तो क्या वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बात रख सकते हैं क्या? जवाब दीजिए सैयद अब्बास, हिंदुओं से प्यार करते हैं तो हिंदुओं की भावनाओं के साथ डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, अगर राज हिंदुओं के खिलाफ बोल सकता है और अगर ये मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से बोल सकता है तो इसका अंजाम क्या होता? आप जरा बताएंगे, अतीकुर रहमान बताएंगे, आप तीन चार लोग बात कर रहे हैं, एको हो रहा है। चलिए सैयद अब्बास, सवाल ये है, सवाल ये है सैयद अब्बास, सवाल ये है कि अगर इलिया शराफुद्दीन, आपके पास आऊंगा एक मिनट, जो नहीं बोलना चाहिए, चले शराफुद्दीन इसका जवाब दीजिए, शराफुद्दीन सवाल सुनिए, इस शो के विलेन मत बनिए, सवाल सुनिए, समझ रहे हैं आप, यूपी सवाल सुनिए, खानों में लव और कुश मर रहे हैं उसके लिए परेशान है प्रकाश राज, शराफुद्दीन सवाल सुनिए, पहली बात तो मैं आपको आपको बता देना चाहता हूँ, शराफुद्दीन सवाल सुनिए, यूपी रावण राज्य में लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, सवाल सुनिए प्रकाश राज, शराफुद्दीन मोदी और शराफुद्दीन लो भैया, बोलने की गुजारी है शराफुद्दीन को, शराफुद्दीन सवाल सुनिए, अतीकुर रहमान क्या ये करने का तरीका होना चाहिए? एक सेकंड डॉक्टर रावत, मैं अतीकुर रहमान के पास आना चाहता हूँ, शराफुद्दीन जब तक डिबेट की मर्यादा नहीं समझ पाएंगे तब तक उनकी आवाज को लाने में कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है। अतीकुर रहमान, अगर ये बात किसी और धर्म के बारे में कही जाती तो आपने देखा है कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ? बैठाने का क्या मतलब है, हमें समय नहीं दे रहे तो आचार्य मैं आ रहा हूँ आपके पास। अतीकुर रहमान, अगर ये बात कोई और धर्म के बारे में होती, प्रकाश राज अगर कोई और धर्म के बारे में बोलते, हिंदू सहनशील है तो हिंदू के बारे में कुछ भी बोले जाओ, अश्लील फिल्मों के साथ तुलना करेंगे आप? शहजाद, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो गलत है, किसी भी धर्म अगर क्या है, मैंने आपको बाइक सुनाई है, जो किसी को बुरी लगे, किसी के लिए ऑफेंसिव हो शहजाद, लेकिन आज सुनिए मेरी बात, आज अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वो लॉ का वायलेशन है। देखिए वहां पर स्टेटस को है, 3 साल से वहां पर स्टेटस को का उल्लंघन हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, एक मेजोरिटेरियन हेजोनोमी दिखाई जाती है। अतीकुल रहमान, अगर दिवाली मनाना कोई लॉ का वायलेशन है क्या? मैंने पहले ही बता दिया, हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार दिवाली, क्या उसको मनाना लॉ का वायलेशन है क्या? मेरी बात क्या, वहां पर 144 नहीं किया जा सकता? अतीकुल रहमान, मेरी बात
का जवाब दीजिए। किसके बाप का? हिंदुओं का पवित्र त्योहार दिवाली मनाना लोका वाले से। आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, देखिए शराफुद्दीन फिर से वो जिन बातों के लिए जाने जाते हैं वही बात कर रहे हैं। पर आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आचार्य शैलेश तिवारी, क्या हिंदुओं के खिलाफ बोलना फैशन बन चुका है? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं जी कि शहजाद जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को डिबेट में ना बैठाएं जो जिन्हें डिबेट का कोई नियम मालूम नहीं हो, सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ झगड़ते हैं। उनकी मानसिकता भी बाहर आनी चाहिए ना, उनकी मानसिकता भी दिखनी चाहिए लोगों को। सर्व से बोले, सम्मान करें, ऐसे लोगों को डिबेट पर नहीं बैठाइए जो कुतर्क करते हैं। मैं मानता हूँ इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलता, आज प्रकाश राज अगर इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलता तो उसके सर को हजार टुकड़े कर दिए जाते। आज प्रकाश राज का नामो निशान नहीं रहता, आज प्रकाश राज उसी तरह मारा जाता जैसे कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई है। लेकिन यह सौभाग्य उसका कि हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बोला है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता दूं कि उसकी जुबान समाप्त हो जाएगी, उसके मुंह में पैरालिसिस मार देगा, क्योंकि हमारे देवी देवता जागृत हैं और जो देवी देवता के खिलाफ बोलता है उसका जुबान खत्म हो जाती है, उसको पैरालिसिस मार देगा, निश्चित तौर पर उसकी मिट्टिया में हो जाएगी। ऐसे लोग जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, डॉक्टर सैयद अब्बास, डॉक्टर सैयद अब्बास, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर सैयद अब्बास, क्योंकि आप प्रकाश राज के बड़े करीबी हैं, डॉक्टर सैयद अब्बास करने चाहिए। आचार्य, एक मिनट में आपके पास लौट के आ रहा हूँ। आचार्य जी, सबको बोलने दीजिए। आचार्य जी प्लीज, डॉक्टर सैयद अब्बास, आप प्रकाश राज के बड़े करीबी हैं, आप खुद मुसलमान हैं, प्रकाश राज को ज्ञान दे देते कि सबसे बड़ा अगर बड़े तरीके से रामलीला को मनाया जाता है तो मुस्लिम बाउल इंडोनेशिया में मनाया जाता है, वहां के तो मुसलमान नहीं घबराते, उनकी तो नोट पे श्री राम के चित्र हैं, तो मुसलमान डर जाएगा, श्री राम से डर जाएगा, रामलीला से डर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यह सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उनके इलेक्शंस के दौरान हमने ज्यादा से मैं स्वामी जी, आचार्य जी, आपको बताना चाहूंगा कि हर मंदिर में उनके साथ गया मुसलमान होते हुए, और हर मस्जिद में मेरे साथ गए प्रकाश राज साहब। यहां पे बस उन्होंने क्या कहा है, ये जो मॉडल्स हैं टीवी एक्टर्स को लेके आप रामलीला और राम सीता बता रहे हो, ये गलत है। सर, मंदिर में जब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह रामलीला में जाते हैं, इसी तरीके के दृश्य होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लोग श्री राम, श्री सीता मैया और श्री लक्ष्मण के रूप में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको अश्लील फिल्मों के साथ उसकी तुलना करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं यही तो अब्बास साहब को कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट अब्बास साहब सुन लीजिए, ये आपके मित्र हैं सुलियन साहब, सुन लो, अगर यही बात उन्होंने अगर इस्लाम के खिलाफ बोली होती तो उसका हश्र क्या होता, और क्या इसके अंदर हिम्मत है प्रकाश राज के अंदर जो इस्लाम के खिलाफ बोल सकता है? इलियास शराफुद्दीन, आप सवाल सुनेंगे कि आप सिर्फ चिल्लाएंगे? इलियास शराफुद्दीन, अगर आप सिर्फ चिल्लाने के लिए, आप तीनों से मेरा एक प्रश्न है, अगर प्रकाश राज ने इस्लाम के खिलाफ ये बोला होता तो उसका असर क्या होता? अरे सुन लो भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? इलियास शराफुद्दीन, सवाल का जवाब दीजिए। सुन लो, आपके कान नहीं है क्या? मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। इलियास शराफुद्दीन का जो है ना सिर्फ आउट गोइंग है, इनकमिंग उनका ब्लॉक है, इनकमिंग ब्लॉक है इलियास शराफुद्दीन का। मैं इलियास शराफुद्दीन को सुनना नहीं चाहते, मैं उनके साथ चर्चा नहीं कर सकता। इलियास शराफुद्दीन, जब तक आप इनकमिंग फ्री नहीं करेंगे और सिर्फ आउटगोइंग फ्री रहेगा, मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर सकता। ये डायलॉग है, आपसे सवाल ये, ठीक है? अतीक को अब अतीक मानसिकता भी आनी चाहिए ना सर। अब रावत साहब सुन लीजिए, रावत साहब, अगर प्रकाश राज ने इस्लाम के खिलाफ अगर ऐसा बोला होता तो उसकी सजा। इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिए इसका, इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिए जल्दी। अरे गलत है भाई, कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे हैं, पहले उनको, अरे पहले जवाब दे दो मेरे को, तुम ये सौ जवाब दियो, खर्चा कर रही
और कुछ अतीकुर रहमान ठीक है, अतीकुर रहमान के पास जाना चाहता हूँ। इलिया सराफुद्दीन की आवाज को उठाकर देखोगे तो सैयद अब्बास, अतीकुर रहमान और आचार्य शैलेश में नहीं, एक सेकंड सवाल सुनिए, अतीकुर रहमान से बात सवाल सुनिए। इलिया सराफुद्दीन डिबेट को सिर्फ डिरेल करने के लिए आए हैं। इलिया सराफुद्दीन नहीं चाहिए मुझे स्क्रीन पर, अतीकुर रहमान और सैयद अब्बास आचार्य शैलेश के साथ डिबेट करेंगे। मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, प्रकाश राज कहते हैं ये सारी चीजें ड्रामा है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के अलावा एक महंत भी है, अगर वो अपने हिंदू धर्म के परंपराओं को रीति रिवाज को मनाते तो वो ड्रामा है। तो एक टोपी लगा के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी करते वो क्या है, वो अपीजमेंट और ड्रामा नहीं है। अतीकुर रहमान, सैयद अब्बास, शैलेश तिवारी, अतीकुर रहमान जवाब दीजिए जी। शहजाद जी, योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री नहीं भी होते तो भी वैसे ही पूजा करते थे, आज मुख्यमंत्री हैं वैसे ही पूजा करते हैं। अतीकुर रहमान जवाब, ठीक है। शहजाद, इंडिया हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, एक चीफ मिनिस्टर को इस किस्म की कोई भी हरकतें शोभा नहीं देती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, कोई भी मेरी बात को उनके दिन मुख्यमंत्री हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। शहजाद आप सुन लीजिए अच्छी तरह से, और आपके समझते हैं होना चाहिए, इस तरह से भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक कि हमारे सरकारी सरकारी अहदेदार इस तरह से। गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे, हे राम राम, कि विकास और श्री राम एक साथ नहीं चल सकते। आप कह रहे श्री राम और विकास एक पटरी पर नहीं है, बोलने का काम कर रहे हैं इस देश में, दोनों से एक दूसरे के विरोधी है क्या? आप जैसे लोग द्वारा खोला जाता है। शहजाद जी, दिक्कत यह है कि तीनों की तीनों मेरी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अगर सेक्युलर स्टेट है तो सेक्युलर स्टेट में किस प्रकार से कांग्रेस दिवाली को पेश गई, तो सोनी के साथ उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार हो, पर सवाल ये बनता है, देखिए अतीकुर रहमान रावत साहब क्या सवाल पूछे, सैयद अब्बास कमलेश तिवारी एक बयान देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, यहाँ पे प्रकाश राज अगर बयान देते हैं तो आप लोग सजा भी नहीं मांगते कानून के तहत, ये आपकी सेक्युलरिज्म के हिंदुओं के खिलाफ आप खुलेआम बोलते रहो, और दूसरे धर्म के बारे में तो बोलेंगे तो फतवा जारी। सबसे जी ये कैसा सेक्युलरिज्म है जी? शैलेश तिवारी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, उनका सवाल लाजिम है, और आपके सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपका सवाल यह है कि अगर इस्लाम के खिलाफ बोलते तो क्या होता। पहली बात, शैलेश तिवारी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, उनका सवाल लाजिम है, और आपके सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपका सवाल यह है कि अगर इस्लाम के खिलाफ बोलते तो क्या होता। पहली बात, शैलेश भाई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। क्या बात कर रहे हो आप, तोड़जोड़ आप क्या बात कर रहे हो अब्बास साहब, उन्होंने सरेआम आपने बाइट क्या बोला आउट ऑफ रेफरेंस है, आप मेरी बात का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते? अगर वो हिंदू मुसलमान को बराबर देखता है तो अगर वो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोलते तो क्या होता? सैयद अब्बास रामलीला की तुलना अडल्ट फिल्मों के साथ करना, एक सेकंड सैयद अब्बास रामलीला की तुलना सीधे सीधे अश्लील फिल्मों के साथ करना, ये हिंदुओं का अपमान नहीं तो हिंदुओं का गौरव है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं किया। क्या नहीं किया? मैंने अभी सुना है सबको, नहीं क्या कंपैरिजन? सीधे सीधे बिल में गुजाइए, सीधे सीधे जवाब दीजिए टीवी के ऊपर, मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, आपको ये वीडियो ट्वीट करता हूँ मैं।
वीडियो हमने दिखा दी है। से सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इसने प्रकाश राज ने अगर मुसलमानों के खिलाफ दी होती तो इसका अंजाम क्या होता? अच्छा, इस वीडियो में सैयद अब्बास आप ये वीडियो प्ले करने की जरूरत नहीं, हमने प्ले कर दिया है, हमने पीटीसी के साथ प्ले। आपको मैं सवाल पूछता हूँ सैयद अब्बास, सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि तीन मॉडल को मेकअप लगा के श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में प्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, जब क्रिसमस होता है और क्रिसमस में स्कूल में प्ले करते हैं जीसस क्राइस्ट का, तो खुद जीसस क्राइस्ट आते हैं कि वहां पे भी कैरेक्टर्स प्ले करते हैं? वहां पे भी जो प्ले करते हैं मदर मैरी, जोसेफ, बाकी के शेफर्ड्स जो आते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जीसस के लिए मॉडल को खड़ा कर दिया और उस कैरेक्टर सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये भाषा आपत्तिजनक से हिंदुओं के लिए रहा सर। बिल्कुल, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। और शहजाद भाई मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म बहुत उदार है। अरे मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति का हिंदू धर्म के अंदर जो सजा है इसके बाल काटने, हम गर्दन तो नहीं काट सकते जो हिंदू धर्म चींटियों की भी रक्षा करना चाहता है। लेकिन इस बाहर ने जो हिंदुओं के खिलाफ बोला है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब्बास साहब आपको हमने वो वीडियो चला दी है, आपके वो वीडियो चलाने से उन्होंने जो गलत कहा है, आचार्य शैलेश तिवारी जो बातें उन्होंने की, उनको लगता है कि एक महंत जो मुख्यमंत्री भी है वो अगर हिंदू रीति रिवाज में भाग लेते तो ये मजाक का विषय है। तो मैं कहता हूँ कि क्या सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जब जा रहे थे रामलीला में, वो मजाक कर रहे थे या मुसलमानों को डरा रहे थे? आचार्य शैलेश देखिए, इनके दो चेहरे हैं। ऐसे लोग समाज में नफरत घोलते हैं और ऐसे लोगों को नफरत घोलने से रोकना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये लोग खुद उस नफरत की आग में जलकर राख हो जाएंगे। जिस तरह ये लोग दो अर्थी बात बोलते हैं, जब इनको अपने लाभ के लिए होता है तो यह सेकुलरिज्म की चोला ओढ़ लेते हैं, और जब कोई व्यक्ति, जब कोई संत पूजा करता है तो उसका अपमान करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग दो चेहरे लेकर के घूमते हैं। ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। इन लोगों को नफरत ना घुलाएं, और देश में अगर ये शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो जो संत है उसको पूजा करने दें, उसके ऊपर बॉलीवुड के एक्टरों को बुला के एक्टिंग करा रहे हैं। शराफुद्दीन, बोला था कि आप लोगों को जो गंदी पिक्चरों में काम करते उनसे एक्टिंग कराते हैं। इलियास शराफुद्दीन इलियास शराफुद्दीन, इंडोनेशिया जो सबसे ज्यादा मुसलमान बाहुल देश है वहां पर भी रामलीला मनाई जाती है। अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो सेक्युलरिज्म की घुट्टी पिलाई जाती है लोगों को, उसमें यह है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ हो सकता है, पर दूसरे धर्मों पर अगर बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा। मैं देश की जनता क्या बता रही है वोटिंग नतीजे बताना चाहता हूँ। अच्छा साहब, हमने सवाल ये पूछा था मुझे क्या प्रकाश राज को माफी मांगनी चाहिए? श्रीराम और सीता के महापान के लिए माफी मांगनी चाहिए? और मैं चाहता हूँ कि वोटिंग के नतीजे, देश की जनता क्या सोचती है वो नतीजे दिखाए जाए स्क्रीन पर, क्योंकि देश की जनता की जो भावना है उससे अवगत कराना चाहिए प्रकाश राज को। आपको लगता है कि प्रकाश राज को माफी मांगनी चाहिए तुरंत? माफी मांगने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को सरेआम माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगता तो ऐसे व्यक्ति का मुंह काला करना चाहिए। हमारे धर्म के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को गधे पे बैठा के घुमाना चाहिए, ऐसे भाणों का विरोध करना चाहिए, और ऐसे भाणों की पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। अतीकुर रहमान, क्या आप सजा की मांग करेंगे? जिस तरीके से कमलेश तिवारी के खिलाफ तो आप लोग इकट्ठा हो गए थे कि कमलेश तिवारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कमलेश तिवारी को माफी मांगनी चाहिए, आज प्रकाश राज माफी मांगे, क्यों सजा ना मिले उसको? पाखंडी, शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। शराफुद्दीन, बहुत सारी ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कही हैं। एक चीफ मिनिस्टर को बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं पास में जो कि शोभा नहीं देती हैं। किन किन चीजों की माफी मंगवाएंगे इन लोगों से? आप प्रकाश राज से ये ना, आप तो सेक्युलर लोग हो,
आपके लिए तो गंगा जमुनी तहजीब बहुत अहम लगती है, तो गंगा जमुनी तहजीब में हिंदुओं की भावना की कोई कदर नहीं है क्या? इससे पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अतीकुल रहमान प्रकाश राज से आप माफी मंगवाने की पहल करेंगे क्या? आप उन चीजों को कभी आपने सामने लाए क्या? अतीकुल रहमान क्रिसमस को ड्रामा कहा जाता नहीं हो सकते? अगर क्रिसमस को ड्रामा कहा जाता, अगर मुहर्रम को ड्रामा कहा जाता, तो अभी का पूरा सेकुलरवादी वर्ग जो है, आपके सेकुलरवादी गैंग जो है, वो उठ गई होती और उन्होंने अभी तक फतवा जारी कर दिया होता। पर क्योंकि ये हिंदुओं के बारे में बोला जाता है तो आप लोगों को कुछ नहीं कहना। इस पर मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए 92% लोग ये मानते हैं कि प्रकाश राज ने जो तुलना की है रामलीला की अडल्ट फिल्मों के साथ, उसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। मेरे पास आज समय इतना ही था। आज अयोध्या से आप दृश्य देख रहे हैं कि वहां पर ऐसा लग रहा है मानो खुद श्री राम के युग की दिवाली मनाई जा रही है। 5.5 लाख का वर्ल्ड रिकॉर्ड दियों के प्रकाश में जगमगा रहा है अयोध्या। और दूसरी तरफ प्रकाश राज जैसे विलन के मन में अभी भी नफरत का अंधकार फैला हुआ है। पर आज के लिए बस इतना ही। मंडे को, सोमवार को हम फिर से मिलेंगे 4:55 पर एक और सुलगती हुई बहस के साथ। पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अयोध्या नगरी की ताजा तरीन दृश्य जो है वो आपको दिखाई देगी इंडिया न्यूज पर, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। हैप्पी दिवाली।